गुड मॉर्निंग यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे प्रस्तावना के बारे में, जो संविधान, प्रत्येक संविधान के अंदर एक प्रस्तावना होती है और संविधान के प्रारंभ में ही प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है प्रस्तावना के द्वारा। इस कारण से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर भी प्रारंभ में एक प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना को प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। और हमारी जो मूल प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना के अंदर जो 3 जोड़े गए हैं 42 संविधान संशोधन के बारे में के अंतर्गत, जिनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, वो 3 हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द। हमने प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना भी की जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है, जैसे घोषणात्मक भाग है जिसके अंदर हम भारत के लोग की जो संपूर्ण जो प्रभुसत्ता है, जो सर्वोच्च शक्ति है, भारत की जनता में निहित तो होगी। फिर इसके दो दूसरा पार्ट आता है, भाग है प्रस्तावना का उद्देश्य भाग, जिसके अंदर जो बिंदु थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की भारत जो राज्य क्षेत्र है वो अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में किसी के अधीन नहीं होगा, किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। और समाजवाद, अगला बिंदु है समाजवाद, समाजवाद शब्द को भी अभी हमने चर्चा की थी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और इस समाजवाद के पीछे जोड़ने के पीछे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि समाज के अंदर जो कमजोर तबका है, कमजोर जो वर्ग है, पिछड़े जो वर्ग हैं, उनको ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए और समाज के अंदर जो व्याप्त आर्थिक विषमता है उस विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाए। इसी कारण से हमारे संविधान जो निर्माताओं ने हमारे भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया है। फिर इससे अगली जो बिंदु है वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता की साधारण तात्पर्य हमारा यही है कि भारत का, भारत राज्य क्षेत्र का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, न किसी धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगा और न किसी धर्म को मान्यता देगा, धर्म के मामले में बिल्कुल तटस्थ रहेगा। और फिर इससे ये जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारी जो उद्देशिका है, जो पैराम्बल है, जो प्रस्तावना है, इसके अंदर जोड़ा गया है। और अगला हमारा जो बिंदु आता है लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य हमारे सामने निकल करके ये आता है कि भारत में राजसत्ता का प्रयोग, जो भारत के अंदर जो राजसत्ता है उसका प्रयोग जनता द्वारा जो निर्वाचित है, जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा और वो जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। फिर अगली बिंदु आता है उद्देश्य के भाग में, जो प्रस्तावना का दूसरा भाग है उद्देश्य भाग, उसके अंदर अगला जो शब्द है गणराज्य। गणराज्य शब्द से तात्पर्य यह है कि भारत का जो राज्याध्यक्ष है, जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से भी जान सकते हैं, या जो सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है वो वंशानुगत न होकर के एक निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। और इसका निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हमने कल यहाँ तक इन बिंदुओं का हमने विश्लेषण किया था प्रस्तावना के संदर्भ में। अब हम प्रस्तावना के आगे का जो तीसरा बिंदु हमारे सामने आता है वो है विवरणात्मक भाग प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना इसका जो अगला भाग है से जो भाग है इसका विवरणात्मक भाग,
हमने घोषणात्मक भाग और उद्देश्य भाग की चर्चा कल वाले टॉपिक के अंदर हमने कर ली थी, और आज के टॉपिक के अंदर, प्रस्तावना के टॉपिक के अंदर आज हम विवरणात्मक के बारे में चर्चा करेंगे। विवरणात्मक भाग के अंदर इसके जो छोटे बिंदु हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। पहला है जैसे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। दूसरा जो इसका बिंदु है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इसका तीसरा जो बिंदु है वो है व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता। वे राष्ट्र की एकता और अखंडता और अखंडता। तो प्रस्तावना के तीसरा जो भाग आता है हमारे सामने, विवरणात्मक भाग, जिसके अंदर जो छोटे पहला बिंदु है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, साधारण सी बात है, सामाजिक न्याय का सर्वप्रथम अर्थ सामाजिक न्याय अर्थ, इसके अर्थ में यही बात निकल करके आती है कि सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के समानता प्राप्त होना, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि किसी भी आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होना, इसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय। तो कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को, कि सभी नागरिकों, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, को बिना किसी बिना किसी बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त होना, बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त होना, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि किसी भी आधार पे किसी भी नागरिक के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो,
इसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त होना। फिर आता है सामाजिक न्याय के बाद में आर्थिक न्याय, इसकी भी व्यवस्था की गई है हमारी प्रस्तावना के अंदर। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और समाज के अंदर विषमता का लोप हो। आर्थिक न्याय के संदर्भ में हमने नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 के अंदर बड़े विस्तार से हमने चर्चा की थी। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय का जो विस्तृत विवेचन है वो संविधान के अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इस अनुच्छेद में देखो, इस अनुच्छेद में किन किन बातों का उल्लेख है कि कोई भी राज्य अपनी नीतियों का संचालन करते समय किन बातों का ध्यान रखेगा, कि कोई भी जो राज्य है अपनी नीतियों को संपादित करते समय या अपनी नीतियों का संचालन करते समय सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसमें पहला बिंदु आ जाएगा सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। और अगली जो बात दर्शाई गई है इसके अंदर वो है भौतिक संपत्ति का जो वितरण है इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसके अंदर अधिकाधिक समुदाय का हित शामिल हो। राज्य के द्वारा जो भौतिक संपत्ति है उसका स्वामित्व भौतिक संपत्ति का स्वामित्व भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण स्वामित्व और वितरण या बंटवारा वितरण इस प्रकार से हो जिससे सामुदायिक हित हो, अधिकाधिक सामुदायिक हित हो, समुदाय का भला होना चाहिए, ये इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी जो बात है हमारे संविधान के आर्थिक न्याय से संबंधित जो अनुच्छेद 39 के अंदर तीसरी जो बात कही गई है, स्त्री और चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए,
ये बात भी अनुच्छेद 39 में ही है, पुरुष व स्त्रियों को, पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन, समान वेतन की व्यवस्था हो, ये बात भी अनुच्छेद 39 के अंदर है। राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। और साथ ही साथ में जो चौथी जो बात कही गई है अनुच्छेद 39 के अंदर, जो आर्थिक न्याय से संबंधित हमारे संविधान के अंदर है प्रस्तुत किया गया अनुच्छेद, उसके अंदर जो चौथी जो बात कही गई है वो है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे संविधान का जो अगला प्रस्तावना के अंदर जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय संपन्न हुआ, जिसके अंदर आर्थिक न्याय के अंदर संविधान के अनुच्छेद 39 में विस्तृत विवेचना की गई है। और अगला आता है हमारे सामने, तीसरा जो बिंदु आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, इसके अंतर्गत दो तीन बातें बताई गई है इसमें। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या व्यवस्था की गई है कि एक तो वैश्विक मताधिकार की स्थापना की गई है हमारे संविधान के अंदर, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान किया गया। ये दो बातें राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। तो एक तो वैश्विक मताधिकार की स्थापना, और जो दूसरी जो संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों न्यायों की चर्चा हो गई है। सामाजिक न्याय से अर्थ है कि सभी नागरिकों बिना किसी भेदभाव के समानता को प्राप्त होना। आर्थिक न्याय के अंदर हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 39 की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर जो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, नागरिकों को आजीविका के साधन पर्याप्त उपलब्ध किए जाने चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं आर्थिक न्याय में आती हैं। और तीसरी जो बात है हमारे सामने जो राजनीतिक न्याय, इसके अंदर वैश्विक मताधिकार की स्थापना की गई है, साथ ही संवैधानिक उपचारों के जो हमारा अधिकार है, छठवां जो अधिकार है संवैधानिक उपचार, इसके द्वारा राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास किया गया। अब बात आती है विवरणात्मक भाग के अंदर, जो दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। तो इसके अंदर देखिए स्वतंत्रता के अंदर हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, इसके अंदर भी यही पैटर्न चलेगा कि सबसे पहला बिंदु है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंदर भारतीय संविधान क्या करता है, जो हमारे भारतीय जनता है, जो भारतीय नागरिक है, उनको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना
और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस बात का उल्लेख हमारी उद्देशिका के अंदर किया गया है कि भारतीय नागरिकों को विचार अपने अभिव्यक्त करने की आजादी होगी, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमारी उद्देशिका के अंतर्गत। फिर स्वतंत्रता के बाद में अगला बिंदु है समानता। उद्देशिका के अंदर समानता शब्द का भी प्रयोग किया गया है, और समानता के से तात्पर्य हमारे यहाँ पे है कि देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। देश के सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को अवसर और प्रतिष्ठा की, सभी नागरिकों को अवसर व अवसर और प्रतिष्ठा अवसर और प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता प्रदान की गई है। ये समानता शब्द से हमारे हमारी संविधान की उद्देशिका के अंदर यह अर्थ निकल करके आता है समानता का, कि देश के सभी नागरिकों को अवसर और प्रतिष्ठा की समानता प्रदान की गई है। समानता के बाद में आता है हमारा अगला शब्द बंधुत्व। बंधुत्व हमारी उद्देशिका के अंदर बंधुत्व शब्द का भी प्रयोग किया गया है, और बंधुत्व के अंतर्गत यह बात हमारे सामने निकल करके आती है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए या बढ़ाने का संकल्प लिया जाना चाहिए। तो व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह हमारे संविधान के अंदर इस प्रकार से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के शब्दों का अर्थ निकल कर के आता है, जिनको हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित किया गया है। अगला जो बिंदु है हमारा इसी के अंदर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, तीसरा जो बिंदु है इसके अंदर विवरणात्मक भाग के अंदर वो है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की, व्यक्ति गरिमा वो है राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये शब्द भी हमारी प्रस्तावना के अंदर शामिल किए गए कि व्यक्ति, प्रस्तावना में ये बात बताई गई है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान जो निर्माता थे हमारे देश की विविधताओं से परिचित थे। किनसे परिचित थे? कि हमारा देश काफी विविधताएं लिए हुए है, इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने
हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा दिया। हमारा राष्ट्र के अंतर्गत जो बंधुत्व जो शब्द है वो दो शब्दों के ऊपर टिका हुआ है। दो शब्द कौन कौन से हैं कि राष्ट्र की एकता और दूसरा है व्यक्ति की गरिमा। अब आता है अखंडता। अखंडता को 42वें अखंडता जो शब्द है इसको 42वें संवैधानिक संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना है प्रस्तावना में सम्मिलित या जोड़ा गया है। अखंडता शब्द को बाद में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अतः इस प्रकार से निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो उपयुक्त विवेचन के आधार पे ये बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि जो प्रस्तावना या जो उद्देशिका है में संविधान के जो हमारे संपूर्ण जो संविधान है उसके मूलभूत आदर्शों को दर्शाया गया है। अतः इस प्रकार से हमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा की और प्रस्तावना की मूल मूल बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और इस प्रकार से प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली एक पैराम्बल है। अतः इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो संपन्न हुआ।